नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। ऐसा भी माना जाता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन से व्यक्ति की निजता को भी खतरा हो सकता है। होता है, देखिए डिजिटल ट्रांजेक्शन में खतरा होता है, उससे बड़ा खतरा तो आप डिजिटल पे तब चले गए जब आपने आधार कार्ड बनवाए हैं, तो व्यक्ति की बायोमेट्रिक से लेके आंखों से लेके सब कुछ चीजें डेटा है, वो डेटा किसी के पास भी चोरी होकर पहुंच सकता है। जब विकीलीक्स के जूलियन असांज हैं, वो किसी का भी अमेरिका का CIA का डेटा चुरा सकते हैं, पेंटागन का डेटा चुरा सकते हैं, इसका मतलब डिजिटल डाटा चुराया जा सकता है। और डिजिटल डेटा अगर चुराया जा सकता है तो कोई सा भी डेटा, तो आपके आधार कार्ड का जो डेटा वो भी चुराया जा सकता है। अगर वो चुरा लिया तो उसको सब पता, आपकी जन्म दिनांक क्या है, रहते कहां पर है, क्या है, यही सवाल अमूमन बैंक वाले पूछते हैं। उनको उन सवालों का जवाब देकर आपके बैंक के अकाउंट को हैक किया जा सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं, और आए दिन फ्रॉड होते भी हैं। और हम देखते हैं कि कुछ दक्षिण अफ्रीकी देशों में तो ऐसे गिरोह हैं जो लगातार, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी पुलिस साइबर क्राइम कुछ नहीं कर सकती, उन तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको एक बार पता लग गया कि IP साउथ अफ्रीकी देश का है तो पुलिस भी हताश हो जाती है। तो इसकी कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, इसकी कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे में हम कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात यह ध्यान रखनी होगी कि कैशलेस का जो सिद्धांत है, यदि हम उसको पश्चिम से ऐसा का ऐसा आयात कर लेंगे तो बहुत दिक्कत है। पहली बात तो है कि पश्चिम में भी पूरी तरह से कैशलेस ना सफल हुआ है और ना इंप्लीमेंट हुआ है। जर्मनी जैसे देश में भी 80% जो है नकद से व्यवहार होता है। स्वीडन ने इसको जरूर बहुत अच्छे से लागू करने की कोशिश की, लेकिन बहुत छोटी आबादी का देश है, व्यवस्थाएं अलग है, लोग उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मेरा ये कहना, अगर सबका बैंक खाता है, सबके पास क्रेडिट कार्ड है, सब लोग उसके लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, तो एक अलग मुद्दा है। हमारे यहां तो अभी लोगों को नकद व्यवहार की इतनी आदत पड़ गई कि उनको कैशलेस की तरफ मुड़ना बहुत मुश्किल है। ये भी सही बात है, ये सवाल बिल्कुल जायज है कि इस तरीके से हम, अगर जिसको जैविक तरीके से उस तरफ बढ़ना कहते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं, तो हमें बहुत साल लगते हैं। हमें बहुत साल लगते हैं कि सबका बैंक खाता हो, लोगों को बोल बोलकर थक गए, उन्होंने बैंक खाते नहीं बनवाए। ये कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, और इस सरकार ने ज्यादा की है, इसके पहले की सरकारों ने भी की है, लेकिन इस देश में लोगों को जब तक कुछ चीज जबरदस्ती ना परोसी जाए वो नहीं समझ में आता। लेकिन उसके लिए कैशलेस के लिए इतना झटका, कैशलेस के लिए आप, जैसे आपने कहा कि KYC होना जरूरी है, बैंक खाते के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है, ये चीजें भी अमल में आई ना। आखिर पहले तो ये सब भी नहीं होता था, लोगों के 25 खाते होते थे और आपको पता ही नहीं होता था। जब से KYC नो योर कस्टमर आपने किया है, तब से आपने पैन कार्ड जरूरी किया, तब से एक आदमी के 25 खाते होंगे तो वो तुरंत सामने आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ और चीजों को रेगुलेशन के माध्यम से लागू करवाकर लोगों को कैशलेस के लिए तैयार करके कैशलेस तक जाया जा सकता था। लेकिन अगर नोटबंदी का उद्देश्य था भ्रष्टाचार, तो वो झटके से ही हो सकता था। गोपनीयता भी जरूरी थी, जिनके पास काला धन है वो रातों रात बदल न दे ले, ये चिंता थी, इस उद्देश्य से आपने नोटबंदी की। लेकिन नोटबंदी पूरी तरह मकाम पर इसलिए नहीं पहुंच पाई कि इसको लागू करने वाले जो लोग थे वो ही इसको नाकारा साबित करने पर तुल गए। यदि जी नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं गैस की सब्सिडी लौटाओ, दूसरी ओर कैशलेस के नाम पर करोड़ों के इनाम की बौछार की जाती, ये कहां तक उचित है? ये विसंगति है, ये विडंबना है। और हम कितना पैसा इस पूरी नोटबंदी की जो एक्सरसाइज हुई है, जो ये पूरा उपक्रम हुआ है, इस पर कितना खर्च करेंगे और कितना वापस आएगा, इसको लेकर भी अर्थशास्त्रियों में गंभीर मतभेद हैं। और ये सारे मतभेद इसलिए हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई है नोटबंदी की। आपकी 84-85% जो चलन में मुद्रा थी उसको बाहर कर देना रातों रात कोई मजाक हंसी खेल नहीं है। आप उदाहरण देते हैं, पहले भी हुआ है, पहले जब 10,000 का नोट बंद किया गया था तो उस समय में बहुत कम लोगों के पास ये पैसा था, 5-7% नकदी ऐसी थी जो लोगों के पास थी बड़े नोटों की, उससे आप नहीं तुलना कर सकते इस चीज की। और जब हिंदुस्तान की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, उसमें 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश के चलन की आप बात कर रहे हैं, वैसे में इस नोटबंदी का जो प्रभाव है, असली प्रभाव है, उसको सामने आने में, पूरी तरीके से सामने आने में तो अगले 2 साल लगेंगे, पर उसके ठोस जो परिणाम है वो सामने आने में भी 6 महीने का वक्त कम से कम लगेगा। नोटबंदी का ये जो पैकेज हमें परोस दिया गया है, हम खाली अभी इसकी रैपर खोल पाएंगे, इसका जो गिफ्ट पैक है वो खोल पाए हैं, इसका असल प्रभाव, इसका असल परिणाम जानने के लिए अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी घटना हुई जिसकी दशकों तक चर्चा होगी। अब जो हो चुका है वो तीर कमान से निकल चुका है, और इसीलिए उस तीर को वापस नहीं खींचा जा सकता। लेकिन इससे अब जो आम लोगों को तकलीफ हुई वो कैसे कम हो, ये देखा जाना चाहिए। ये बात ठीक है कि कुछ पिछले 5-7 दिनों में हम देखें और आने वाले कुछ समय में नकदी की उपलब्धता बढ़ी है, अभी कैश की विड्रॉल की लिमिट जो है वो अभी भी वही बनी हुई है, लेकिन बैंकों में जिस तरह की कतारें देखने को मिल रही थी वो नहीं मिल रही है। ATM में पैसा बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा था, वो ATM में पैसा है, हालांकि आप 2,000 रुपए निकाल सकते हैं। तो एक लंबी चुनौती थी, लंबी कवायद थी,
इसमें यह जरूर मानना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं, यह भी सही है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से नोटबंदी का सामना किया है उसके लिए इस पूरी जनता का साधुवाद होना चाहिए। इनके लिए निश्चित तौर पर बहुत बधाइयां दी जानी चाहिए। ये घोषणाएं जो हो रही है सब्सिडी और ये सब अलग है, ये सरकार की विसंगति है, विडंबना है, लेकिन आप देखिए वेनेजुएला जैसे छोटे से देश में भी नोटबंदी को लागू करते से ही कदम वापस खींचने पड़े थे। जिस तरह का उत्पात वहां पर हुआ, जिस तरह का विरोध वहां पर हुआ, जिस तरह का उपद्रव वहां पर हुआ, तो भारत जैसे बड़े देश में इतनी विसंगतियों, विडंबनाओं और विरोधाभासों के बावजूद भी 50 दिन हम पूरे कर रहे हैं नोटबंदी के शीघ्र ही, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बीच कोई ऐसा विरोध नहीं आया, कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ, कोई दंगे फसाद लूटपाट इस तरह से नहीं हुई जिसकी वजह से ये नोटबंदी जो है और भी अलग दिशा में चली जाती या कदम वापस खींचना पड़ते। ये निश्चित तौर पर इस देश की जनता ने जिस तरीके से धैर्य का परिचय दिया है, साहस का परिचय दिया है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन एक बात सही है कि सतह के नीचे जो खदबदाहट है, जो बेचैनी है, जो नाराजगी है, वो परेशानी है, वो अभी भी आकलन से परे है। आगे आकलन उसका ठीक से हुआ नहीं है। उन तक कैमरों को, अखबारों को, रिपोर्टरों को, जानकारों को, अर्थशास्त्रियों को पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग डरे हुए हैं, तथ्य और आंकड़े नहीं दे रहे हैं कि फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ, कितने मजदूरों को निकाला, कितने का घाटा हुआ, क्योंकि ये भी सही है कि वो लोग अपनी आय बताते नहीं थे, इसीलिए वो इस तरह का व्यवहार करते थे, तो गलती तो उनकी है, टैक्स नहीं भरते थे। आप देख लीजिए कि भारत जैसे देश में जहां पर 25 लाख कारें बिक जाती है, वहां पर 10 लाख लोग भी नहीं जो 10 लाख की इनकम से, तो ये जो विडंबनाएं हैं, 4% लोग केवल टैक्स भरते हैं। इतनी बड़ी आबादी, 120 करोड़ की आबादी का देश, उसमें 4% लोग अगर टैक्स भरते हैं तो क्या इनकी सबकी आय इतनी कम है? अगर आय इतनी कम है तो देश में जो समृद्धि पिछले एक दशक में देखने में आई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में जो खरीदारियां होती हैं, बड़ी महंगी कारें लेकर जो लोग घूमते हैं, वो टैक्स क्यों नहीं चुकाते हैं? वो टैक्स नहीं चुकाते हैं उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। ये आसान सवाल नहीं है, इनके जवाब ढूंढने में वक्त लगेगा। लेकिन हम जो दो बातों पर आज बात कर रहे हैं, कैशलेस कितना सुरक्षित है, असुरक्षित है, दिक्कतें हैं, लेकिन उसकी तरफ हमको बहुत सावधानी से बढ़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अभी पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं है। आज भी आप देख लीजिए कि बड़े महानगरों में तक आप कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के लिए खड़े होते हैं और कई बार मशीन में जो स्वाइप मशीन है या दूसरी मशीन है उसमें नेटवर्क नहीं होता। जब आपको इंटरनेट का कनेक्शन ही लगातार उपलब्धता की उसकी गारंटी नहीं है, जब आपको पता है कि स्वाइप करने की मशीनें सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो कैशलेस की बात करना इतना आसान नहीं है। और उसकी जो असुरक्षा है, उससे जुड़े हुए जो खतरे हैं, वो एक बहुत अलग मुद्दा है। उसको लेकर लोगों को जागृत करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम छेड़नी पड़ेगी। आप गांवों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं इंदौर में, दिल्ली में, बंबई में मैं आपको ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जहां पर एटीएम से पैसे निकालने आया व्यक्ति गार्ड से या दूसरे साथी व्यक्ति से जो पैसा निकाल रहा कहता है कि साहब मुझे मशीन चलाना नहीं आती, आप मेरे कार्ड से पैसा निकाल दो। जब ऐसी स्थिति है देश में, तब हमको ये सोचना होगा कि कैशलेस की तरफ अचानक से बढ़ना कितना भयावह है। इन खतरों को जानते हुए हम किस तरीके से अब लोगों को जागरूक कर सकते, क्योंकि अब कैशलेस के अलावा कोई चारा भी नहीं है। जितना कैश बाजार से बाहर हुआ उतना छपकर वापस नहीं आ पाएगा, यह तय है। वित्त मंत्रालय भी इसके संकेत दे चुका है, रिजर्व बैंक की घोषणा कर चुकी है, और ये ठीक भी है क्योंकि उतना सारा कैश अगर बाजार में होगा तो फिर उसके जाली होने के, भ्रष्टाचार में उस पैसे के चले जाने के खतरे बढ़ेंगे, जितना कैश बाजार में कम होगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारे ठोस कदम जमीनी स्तर पर उठाए जाना जरूरी है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे कैशलेस व्यवस्था की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।